सत श्री अकाल जी सारे ही भैन भरावां नूं दो गल्लां सांझे करनी तुहाडे नाल। सब तो पहली तां गल तुहानूं पता ही है वी मैं किसानी अंदोलन दी करनी है। 1.5 साल हो गया किसानी अंदोलन चलदे नूं। हुण तुहानूं सब नूं पता वी सामने झोना वढ लिया, कणकां लोक बीजी जांदे नेगे, पर किते ना किते जे आपां लग रिहा वी हुण लोक कणकां बीज के सारिआं दी सोच आ वी उत्थे पिछले साल जिन्ना इकट्ठ होऊगा। मैं तुहानूं सच्चाई दस दिंदा, कोई मेला तां है नहीं गा वी आए साल उन्ना उत्थे इकट्ठ होणा है ना। पर असल दे विच सच्चाई इह आ कि लोग कहंदे ने वी साडे कोले मूहरे प्रोग्राम की आ उत्थे, उस जिवें आपां साल पूरा हो जाए 26 तरीक नूं आपां उस तरह ही उत्थे जा के बैठना, जां कोई चंगी तरह मोदी दी धौण ते गोडा धरना, कोई दिल्ली घेरनी आ, कोई इस तरह दा प्रोग्राम कोई है। सब तो पहले तां देखो मैं इत्थे बेनती करदा, जां मैं अपनी गल कर लां, कदे ना कदे इह लगदा वी आपदे मन नूं वी एवें लगदा है ना। मैं तां कई ना बई किंतू परंतु कई गल्लां दी करन लग जांदे ने। किसानी अंदोलन चलण नूं 1.5 साल होया है, मेरे तो शुरू तो वीडियो चक के देख लो, मैं तो शुरू तो अज तक आपकी किसानी की किसान यूनियन की गल की है। हो सकता भी अज तक मैं एक कलाकारी तौर पर मैं देखा जाए तो कोई भी किसी भी कलाकार ने इस तो पहला एवं अंदोलन की या किसानी की गल की नहीं होनी। मेरा फेसबुक के थले वीडियो चक के देख लो। हुण जिहड़ी गल इह है जिहड़ी मैं कहना चाहना खास करके साडे आगू साहिबानां नूं भी आपां कोई तकड़ा जां सख्त प्रोग्राम दईए। हुण चडूनी ने कहा होया भी 26 तरीक नूं असीं मोदी दा घर घेरांगे, मैं चाहुंदा वी सारे रल मिल के इस ते पूरा सख्त प्रोग्राम दईए भी 26 तरीक नूं पूरा दिल्ली दे विच एंटर होवांगे। हुण उन्हां ने मूहरों बैरीकेड भी हटाते, पूरे तकड़े तकड़े प्रोग्राम दईए। असीं भी हुण कईए पिंडां दे विच नौजवानां नूं लोकां नूं सुनेहे लाईए जिवें पहलां लाए सीगे, जिवें तुहाडे भरा ने 26 तरीक नूं खनौरी वाला बार्डर तुहाडे भरा ने तोड़िया सीगा। तुहानूं सब नूं इस गल दा पता ही होणा है ना। भी गल ए आ भी असीं भी उस तरां दे अपने विच जोश भरीए, लोकां दे विच जोश भरीए, पूरे तकड़े प्रोग्राम दईए तां कि असीं जिहड़ा हुण देखो किन्ना अपना करोड़ां रुपईआं दा नुकसान हो गया, किन्ने अपनीआं देखो शहीदियां पै गईआं है ना। पर हुण लोड़ है, गल ए आ कि पंजाब दे होर बड़े मुद्दे नेगे, इह अंदोलन जित्तण तों बाद होर पंजाब दे बड़े मुद्दे नेगे जिन्हां ते पंजाब दे मुद्दिआं ने चिंतत हो के किसान जथेबंदियां नूं आगूआं नूं पंजाब नूं उपर चक्कण दी लोड़ आ, क्योंकि पंजाब दा इस टाइम ग्राफ बहुत डिगदा जा रिहा है। इस करके सब तो पहली तो मेरी बेनती यही आ, हुण असीं तां देखो जी आने वाले दिनों दे विच तैयारी कर रहे हैं वड्डे जथियां दी, साडी टीम आने वाले दिनों दे विच वड्डी तैयारी कर रही है जथियां दी। मैं होर भी मेरे सज्जन मित्रां नूं जिहड़े नावर नेगे उन्हां नूं भी मैं कहा भी आपां वड्डे जिहड़े काफले आने वाले दिनों दे विच तरीक दे देणी आ, 20 तरीक नूं मस्तूआणा साहिब तों काफला तुरदा जां कितों जां मानसा तों तुरदा, आने वाले दिनों दे विच जिहड़े वड्डे काफले असीं तां लै के आ रहे हां। पर जे असीं उह कहणे असीं आपां कह तां रहे हां वी सारे वड्डे काफले लै के आवांगे, पर साडी तैयारी आ वी आने वाले दिनों दे विच दो जिहड़े तरीकां उह दे रहे हां, पर उह वड्डे काफले रूप धारण नहीं करूगा बेसा कोई भी है, क्योंकि लोकां नूं इह आ वी मूहरे लोकां नूं प्रोग्राम चाहीदा, जिन्ने साडे सज्जन मित्र ने असीं वध तों वध लियावांगे, लोकां नूं कोशिश करांगे, पर जो असीं चाहीदा वी हड़ जावे उह हड़ प्रोग्राम तों बिना नहीं आउणा। इह मैं तुहानूं बेनती करदा भी आपां इस अंदोलन नूं जित्तण दी करिए, क्योंकि जित्तना अंदोलन जिन्ना टाइम ऐन है पेचा नहीं ना पैंदा, ऐन मूहरों सिर नहीं ना पिटदे, ऐन जाके टक्कर नहीं ना हुंदी, उन्ना टाइम इह कुत्ते दी पूछ सिद्धी होण वाली नहीं हैगी, पूरी ऐन सिंक दा पसाउणे ही पैणगे, फिर इह किते जाके मसला हल होऊ। नहीं तां तुहानूं पता ही आ पिछले दिनां दे विच जिहड़ा प्रशांत किशोर दा ट्वीट आया सी, बेशक झूठा बेशक सच्चा, पर मैनूं अपने आप नूं लग रिहा प्रशांत किशोर ने एक गल कही सीगी भी आउण वाले टाइम दे विच जिहड़ी भाजपा दी सेंटर दे विचों सरकार नहीं जाण वाली हैगी। इह सच्चाई आ, क्यों सच्चाई आ, क्योंकि भाजपा जिहड़ा इस टाइम जो भाजपा ने गंद पाया, जो भाजपा रणनीति जो राजनीति कर रही है वह सानू पता भी धर्म की राजनीति कर रही है। जदों ये जिहड़ा भारत देश है यह धर्म के नाँ ते, यह सानू सब नू पता है भी इहदे विच धर्म के नाँ ते लोग आप दे विच बहुत जातां पातां दे नाम ते लोग बहुत पाटे हुए ने, क्योंकि इहदे विच अनपढ़ लोग नेगे, ते सानू पता भी कोई विकास की गल नहीं करता, कोई मुद्दे की गल नहीं करता, जो धर्म की गल जिहड़ा भी बंदा करता है लोग उहदे पिछे लग के तुर पैंदे नेगे। इस करके जिहड़ा मोदी की सरकार आ उह नहीं जाण वाली, प्रशांत किशोर दी उह किते ना किते जिहड़ा ट्वीट आ जिहड़े उहने गल कही आ उह मैनूं सच्चा जापदा लगदा। इस करके सानू लोड़ आ पूरे भारत नूं छड्डो, तुसीं अपने पंजाब नूं ही बचा लो, तुहाडे पंजाब दे विच ही देख लो की हालात कर देणे आ भाजपा ने। इह बेनती आ भी इस तरह इह जिहड़ी टक्कर मोदी नाल उह पैदा करनी पैणी आ, यह मेरी बेनती आ। असी देखो जी थोड़े दिनों के असं तो पहला भी दिल्ली डट के रहे हूँ, मैं लगता भी साडा गैप आ, असं दिल्ली चला ही जाना तो कोई चक्कर नहीं है। पर दूसरी जी मैं गल करदा पंजाब की 2022 वोटां की, पंजाब दे विच तुहानूं सब नूं पता भी पंजाब दे विच वोटां हर एक बंदे नाल, असीं कईआं नूं ना मिल के देखिआ भी जिहड़े मन के चल भी आम आदमी पार्टी दे कांग्रेस दे जां अकालीआं दे उम्मीदवार नेगे भी MLA जिहड़ा बनना चाहुंदे ने उहनां दी सोच की आ, क्योंकि हर एक हलके दे विच हुण 10-10 बंदे इहनां दे कैंडीडेट खड़े होए पए ने, पंज बंदे आम आदमी पार्टी दी टिकट दी झाक करदे ने, पंज अकालीआं दी, पंज कांग्रेस दे, हर एक हलके दे विच उह बंदे नेगे।
पर वह बंद असी देखिए भी सोच की है, सोचा जाए वह बंदे सोच की रहे ने अपने पंजाब बारे अपने हल्के बारे। वह बंदे की सोच एक है, बस कला MLA बनना, अपने परिवार को पालना। लोगों प्रति वह बंदे की कोई सोच नहीं हैगी, अपने पंजाब प्रति अपने हल्के प्रति किस तरह असी इस पंजाब नूं उपर चकना, किस तरह जिहड़ा पंजाब दे विच जिहड़ा मेन गल करिए, जिहड़ी मैं गल करदा हुंदा वी पंजाब जिहड़ा खेती प्रधान सूबा है वी कोई खेतीबाड़ी ढांचा खेतीबाड़ी बदलने की गल नहीं कर रहा। दूजी गल करिए जे पंजाब दे विच इस टाइम पंजाब दा एक मुख मुद्दा जिहड़ा चोणां दे विच खेती बदलना ते दूजा मुख मुद्दा होना चाहिए जिहड़ा पंजाब दे जुम्मे करजे की पंड चढ़ी हुई है। 3,000-3,00,000 करोड़ का जिहड़ा करजा सानू सब नू पता वी उह किन्नी जिहड़ी पंड पंजाब दी भारी हुंदी जा रही है, भी वह कोई करजा लाने वाली गल हो, किस तरह जिहड़ा पंजाब दा करजा लै सकदा, किस तरह जिहड़ा पंजाब की आमदन बढ़ सकती है, इहो जी किसी की सोच नहीं हैगी, ना किसी नू इहो जिहा कुछ पता है। बहुत सारे सूझवानों नू मिल के देखिया किसी का एडा दिमाग ही नहीं काम करता पंजाब नू उपर किवें जाया जा सकता है। जे तुसीं निगाह मारो जिहड़ियां कंट्रियां साथों किन्नियां किन्नियां अमीर ने, उत्थे बर्फां नेगियां, उत्थे पथरीली धरती है, थोड़े पंजाब दे विच किन्ना अनाज हुंदा, फिर भी पंजाब गरीब क्यों है? कारण है कि इन्हां दी सोच ही नहीं, सिर्फ MLA बनने तक सोच खड़ी है। जे हुण तुसीं गल करोगे आने वाले समय दे विच जिहड़ा पंजाब दा कर्जा जदों 5,00,000 करोड़ हो गया, तुसीं इह देख लो वी पंजाब दे विच किसे नूं जिहड़े जिन्नियां सरकारी नौकरियां नेगियां, खास करके असीं गल करिए बहुत सारियां सरकारी नूं तां हजे तनखाह मिलदी नहीं गी, लेट मिलदी है, पर जे असीं गल करिए पंजाब पुलिस नूं सही टाइम ते तनखाह मिल जांदी है ना, आने वाले समय दे विच पंजाब पुलिस नूं वी धरने ला के जिहड़ी उह तनखाह लैणी पिया करनी है, क्योंकि पंजाब दे मौजूदा हालात इस तरह के हो जाने हैं, क्योंकि करजा जिहड़ा पंजाब जुम्मे उह दिनों दिन चढ़ी जांदा। सेंटर गौरमेंट भी कितने ना कितने जिहड़ी उह पंजाब नूं करजा दे रही है वी पंजाब करजई होवे, जिहड़े RSS दा एजेंडा जिहड़ा सेंटर गौरमेंट दा एजेंडा है उह पंजाब नूं दबाउणा चाहुंदी है, पर किसी दे पंजाब प्रति किसी दे अपने हल्के प्रति कोई चंगी सोच नहीं हैगी। सारयां नूं आपो अपनी MLA बनन दी पई, अपने परिवार पालन दी पई, अपने निजी हितां लई इह लोक लड़ रहे नेगे। बेशक अकालियां दी गल कर लो, कांग्रेसियां दी गल कर लो, आ जिहड़े उत्थे कल ड्रामा करके आए ने, एडे वड्डे ड्रामा पार्टी उत्थे जा के ड्रामा करके आई है, कोई इन्हां कोले एजेंडा नहीं। अज तुसीं इह देख लो वी हुण इस टाइम 4:30 to 5 दा टाइम होना, जिहड़ा देख लो तुसीं वी किन्ना नेरा सा गया, किन्ना जिहड़ा धुआं देख, हर एक दीआं अक्खां मची जांदे ने, गल हर एक दा दुखी जांदा है। पंजाब दा वातावरण पानी खराब हो गया, पंजाब दी मिट्टी खराब हो गई, पंजाब दी हवा खराब हो गई, सारा कोई इस नूं कोई बचाउण बारे सोच रहा है? कोई सोच रहा है भी असीं किवें किसान नूं खेतीबाड़ी बदला करना, किवें खेतीबाड़ी उहदी अप करनी है, किवें उहदी आमदन वधाउणी है? कोई इहो जी कोई इहनां कोले गल आई है? कोई चोण मैनीफेस्टो विच इहो जी कोई गल हैगी इहनां कोले वी असीं पंजाब दा करजा इस तरां उतारांगे ना? बस उह सानूं पता है वी जे किसी ने 300 यूनिट कहि ते दूजा कहिंदा 600 यूनिट कर दे, तीजा कहिंदा होर यूनिट कर दे, सिर्फ जे कहिंदा किसी ने आटा दाल स्कीम करती, नाल चाह पत्ती कर दे, नाल गुड़ कर दे, जे किसी ने कहा वी इन्ना करजा तां डबल ट्रिपल कहूंगे, देना तां कुछ नहीं। कैप्टन ने सानूं पता वी झूठियां सौं खा के कैप्टन मुकर गया, पहलां 25 साल बादल झूठियां सौं खाई गए ने, इह झूठियां सौं दे विच एवें जिहे कुरेसी उलझी जावांगे। कोई पंजाब दा मेन एजेंडा नहीं हैगा। जिन्ना टाइम पंजाब दा हुण आर्थिक हालत नहीं पंजाब दी ठीक होगी, जिन्ना टाइम पंजाब दा कर्जा नहीं लहूगा, उन्ना टाइम पंजाब दे विच विकास नौकरियां जां जिहड़ियां जॉबां जां उह किस तरह होगा जदों पंजाब कोले पैसे नहीं हैगा? अज इन्हां दा जदों कोई जदों इन्हां ने वोटां लैणी ने उह तां कहिंदे खजाना भरिया पिया, नहीं कहिंदे जदों लोकां नूं पैसा देणा, जदों कोई किसे काम नूं पैसा मंगदे ने उदों कहिंदे खजाना खाली है। इह सारियां गल्लां नेगियां, इह किसे कोले एजेंडे अजे है नहीं गे। इह भी कोई चंगे किसान आगू जां चंगे जिहड़े लोक इह जिन्हां नूं इह चीज़ां बारे पता होवे उहनां नूं वी इह पंजाब दे विच सुधार करन दी लोड़ है। इस करके इह तां करके कहिंदा सीगा वी जल्दी जल्दी जिहड़ा अंदोलन जित्तिया जावे। अंदोलन जित्तण तों बाद मैं उम्मीद करदा इस तरां दी कि कोई चंगे लोक चंगे आगू इस नूं आ के पंजाब दी कमांड सामण, नहीं तां हुण बई तुहानूं मैं दस्सदा हुण अलग अलग जिहड़े धड़े बणी जांदे नेगे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧੜੇ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਇੱਕ ਕਈ ਧੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਧੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ
ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਪੈਰੀ ਵੇਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਦੋਗਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ, ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।